Assalamualaikum viewers, welcome to Exploring Panda. तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक है, तो ये क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. ठीक है, इससे पहले सारे जो है टॉपिक्स वो मैंने क्लास 9th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. तो एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है? तजुर्बा करना. ठीक है, तजुर्बा करना. तो साइंस एक स्टडी होती है, हमने देखी थी साइंस की डेफिनेशन. साइंस एक स्टडी है ऑब्जर्वेशन की और एक्सपेरिमेंटेशन की. साइंस इज़ द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. तो क्या है कि एक मेन स्टेप है एक्सपेरिमेंटेशन जो है, ये एक मेन स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड में, मेथड का, कि ठीक है ना, किसी बात की दुरुस्तगी को साबित करना जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन में आता है. डिडक्शन वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है ना, ठीक है ना, डिडक्शन वाली जो स्टेटमेंट होती है ना. अच्छा, ये मार्कर्स मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है इनका मेरा. खैर, डिडक्शन वाली जो स्टेटमेंट होती है ना, जो हमने डिडक्शन में की थी बात, के इफ़ और देन, के इफ़ जो है वो स्पैरो ऑल एंड क्रोज आर बर्ड्स एंड हैव विंग्स, देन ऑल बर्ड्स हैव विंग्स. ठीक है ना, तो तमाम बर्ड्स के पास विंग्स होने चाहिए. तो डिडक्शन की जो एक इफ़ देन वाली स्टेटमेंट थी ना, उसको अब साबित करना है हमने किससे, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए. तो डिडक्शन वाली स्टेटमेंट के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उनके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं रिडक्शन वाली स्टेटमेंट के ऊपर. ठीक है, तो हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं हाइपोथीसिस को चेक करने के लिए. वी डू एक्सपेरिमेंटेशन टू चेक हाइपोथीसिस. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं चेक हाइपोथीसिस, के जो हाइपोथीसिस है ये ट्रू है या फिर हाइपोथीसिस है जो ये फॉल्स है, सही है या गलत है. अगर ये ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, हम रिजल्ट बनाएंगे. ठीक है ना, इफ़ दिस हाइपोथीसिस इज ट्रू देन वी ड्रॉ रिजल्ट फ्रॉम इट, बट इफ इट इज फॉल्स देन इट इज रिजेक्टेड. रिजेक्ट करके दोबारा जो है ये ऑब्जर्वेशन की तरफ, रिजेक्ट होने के बाद ये दोबारा ऑब्जर्वेशन वाले स्टेप की तरफ चले जाएगी. जिस तरह वो सांप सीढ़ी में नहीं होता है कि सांप ने डस लिया है तो वो दोबारा फिर नीचे चला गया है, इस तरह ही अगर फॉल्स हो गई तो रिजेक्ट कर दी जाएगी और दोबारा ये ऑब्जर्वेशन वाले बॉक्स में चले जाएगी. इसको दोबारा, इसकी जो है वो सीवरल ऑब्जर्वेशन की जाती हैं. ठीक है ना, जिस तरह के जो है कहा गया था कि प्लाज्मोडियम जो है ना, ये काज हो सकता है मलेरिया का. ठीक है ना, तो इफ़ रिडक्शन थी हमारे पास, इफ़ प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया, ऑफ मलेरिया देन इट शुड बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट इन ब्लड ऑफ ऑल मलेरियल पेशेंट्स. तमाम मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड के अंदर चाहिए कि प्लाज्मोडियम पाया जाए. ठीक है ना, तो अब इसको, ये थी डिडक्शन हमारे पास. अब इसको एक्सपेरिमेंट किया गया है कि जो है वो मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड को टेस्ट किया गया है. अगर तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया है तो ठीक है, ये हाइपो, ये डिडक्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई है, हमारे पास साबित हो गई है. ठीक है ना, और रिजल्ट के अंदर क्या हो गया कि प्लाज्मोडियम ही है काज ऑफ मलेरिया का. लेकिन अगर ये जो है वो चेक करने के बाद ब्लड, काफ़ी ज़्यादा मलेरियल पेशेंट के ब्लड चेक किए हैं और उसमें से कुछ के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम नहीं पाया गया, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है. अब इस बात को रिजेक्ट कर दिया गया है कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का काज था. ठीक है ना, क्योंकि नहीं पाएगी मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया. अब क्या हुआ, जब रिजेक्शन के बाद अब दोबारा ऑब्जर्वेशन की जाएगी, जब प्लाज्मोडियम नहीं है ना काज मलेरिया का, इस बात को रिजेक्ट कर दिया गया, तो उसको दोबारा ब्लड को ऑब्जर्व किया जाएगा ये देखने के लिए कि कौन सी चीज़ है फिर, अगर प्लाज्मोडियम नहीं है तो कौन सी चीज़ है फिर मलेरिया का काज. ठीक है ना, तो उसको दोबारा फिर देखा जाएगा. ठीक है, अब क्या है, ये मोस्ट बेसिक स्टेप होता है एक्सपेरिमेंटेशन. एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता चलेगा ना कि हाइपोथीसिस जो दी थी, हाइपोथीसिस के बाद जो डिडक्शन की स्टेटमेंट हमने बनाई थी वो
फॉल्सी या फिर ट्रू थी। तो डिडक्शन जो हम हाइपोथेसिस से लेते हैं उसको बार बार टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, और जो ये देखने के लिए कि हाइपोथेसिस फॉल्स है या फिर ट्रू है, और इनकोरेक्ट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है और करेक्ट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर दिया जाता है फॉर फर्दर रिजल्ट्स पर्पस, ठीक है ना, उससे फर्दर रिजल्ट्स बना लिए जाते हैं। तो थोड़ा सा अब हम बुक से रीड आउट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल, आप भी अपनी बुक निकाल लो, ठीक है ना। तो मोस्ट बेसिक स्टेप जो होता है बायोलॉजिकल मेथड का, वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन होता है, ठीक है। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी हाइपोथीसिस आर ट्रू और नॉट। बायोलॉजिस्ट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं ये देखने के लिए कि हाइपोथीसिस ट्रू है या फिर रॉन्ग है, ठीक है, फॉल्स है। तो द डिडक्शन विच आर ड्रा फ्रॉम द हाइपोथीसिस आर सब्जेक्टेड टू रिगरस टेस्टिंग। ऐसी डिडक्शन जो हाइपोथीसिस से जिसको लिया जाता है उसको बार बार उसकी टेस्टिंग की जाती है थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए बायोलॉजिस्ट लर्न्स विच हाइपोथीसिस इज करेक्ट। बायोलॉजिस्ट ये सीखते हैं कि कौन सी हाइपोथीसिस है वो जो वो ठीक है। द इनकोरेक्ट हाइपोथीसिस आर रिजेक्टेड, जो हाइपोथीसिस गलत होती है ना उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। एंड द वन विच प्रूव करेक्ट इज एक्सेप्टेड, और वो हाइपोथीसिस जो करेक्ट प्रूव हो जाती है जिसको कहते हैं कि ये सही है, ठीक है ना, उसको हम राइट हाइपोथीसिस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड एक्सेप्टेड हाइपोथीसिस मेक्स फर्दर प्रिडिक्शंस। तो एक्सेप्टेड जो हाइपोथीसिस होती है ना उसकी फर्दर जो है वो प्रिडिक्शंस की जाती हैं कि अगर ये बात ठीक है, फिर डिफरेंट डिफरेंट जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करके उसकी नेक्स्ट प्रिडिक्शंस दी जाती हैं, जो कि उसकी वैलिडिटी जो होती है ना, कि ये इसकी जो वैलिडिटी होती है ना वो उसके ज़रिए प्रूव की जाती है इस फर्दर प्रिडिक्शंस के देने से, ठीक है ना, फर्दर प्रिडिक्शंस बनाने से, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको एक्सपेरिमेंटेशन की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म के कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।